इंडिया में कोविड-19 का जो दूसरा वेव आया है उससे काफ़ी हाल ख़राब है। जहां पहली बार में 2020 में जब कोविड-19 आया था तो एक दिन में मैक्सिमम 98,000 केस आया था, इस बार मैक्सिमम एक दिन में 4 लाख से भी ज़्यादा केस आ रही हैं। इससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कोविड-19 के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में हम लोग के कोविड-19 के अलग अलग कौन से टाइप्स होते हैं। कोविड-19 का जो पहला प्रकार होता है उसको एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 बोलते हैं। इस तरह के केस में कोई भी लक्षण नहीं होता है और इस तरह का केस नॉर्मली जो यंग लोग हैं और जो हेल्दी पीपल हैं उनमें होता है। चिल्ड्रन में जो भी कोविड-19 होता है ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। एक स्टडी के हिसाब से 5 में से 1 लोग में एसिम्प्टोमेटिक केस ही होता है। कोविड-19 का दूसरा प्रकार जो होता है उसको माइल्ड कोविड-19 बोलते हैं। इस तरह के कोविड-19 में आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो लार्ज एयरवेज है वो इन्फेक्टेड होता है। अगर इस तरह का आपको कोविड-19 होता है तो उसमें आपको 100 डिग्री फॉरेनहाइट से कम का बुखार हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मली 100 डिग्री फॉरेनहाइट को टच नहीं करता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप सीढ़ी पर चढ़ते उतरते हो या नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी करते हो तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सांस लेने में। इसके अलावा आपका जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि सेंस ऑफ जो स्मेल है वो नॉर्मल सर्दी वगैरह होने पे भी ख़त्म हो जाता है। तो जब तक सेंस ऑफ टेस्ट आपका लूज़ नहीं हो रहा है तब तक कोई डरने की ज़्यादा बात नहीं है। इसके अलावा आपको सर्दी खांसी हो सकती है, हल्की सर्दी कम ही होती है, हल्की खांसी हो सकती है, और आप उदास फील कर सकते हो। इस तरह का जो केस होता है नॉर्मली 7 से 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। कोविड-19 जो माइल्ड कोविड-19 होता है जो सिम्प्टोमेटिक केस है 81% केस माइल्ड कोविड-19 ही होता है। कोविड-19 का जो तीसरा प्रकार होता है उसको मॉडरेट कोविड-19 बोलते हैं। इस तरह के कोविड-19 में जो आपका स्मॉल एयरवेज है लंग्स का उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इस तरह का आपका कोविड-19 होता है तो नॉर्मली आपको 100 डिग्री फॉरेनहाइट या उससे ज़्यादा का बुखार रहता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हो या सीढ़ी पे चढ़ते उतरते हो तब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी करते हो या सिंपली बैठे रहते हो तो आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा खांसी हो सकता है। मॉडरेट कोविड-19 जो है नॉर्मली 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। कोविड-19 का जो चौथा प्रकार होता है उसको सेवियर कोविड-19 बोलते हैं। इस तरह के कोविड-19 में जो इन्फेक्शन होता है वो आपके जो एयर सैक्स होता है लंग्स का, जिसको एल्वेली बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर इस तरह का कोविड-19 होता है तो आपको अगर एक्सरसाइज करने में, सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में, आपका नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी करने में, इवन यहाँ तक कि अगर आप बैठे रहते हो तब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। सेवियर कोविड-19 में पेशेंट को नॉर्मली निमोनिया हो जाता है और उसको सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। नॉर्मली वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो एक मिनट में नॉर्मली 12 से 18 बार सांस लेता है, लेकिन अगर किसी को सेवियर कोविड-19 हो जाता है तो काफ़ी जल्दी जल्दी सांस लेता है। सेवियर कोविड-19 में आपका जो चेस्ट है वो टाइट होने लगता है, आप उसको फुला नहीं पाते हो और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 का जो पांचवा प्रकार होता है उसको क्रिटिकल कोविड-19 बोलते हैं। इस तरह के कोविड-19 में आपको सेवियर निमोनिया हो जाता है, जिससे कि आपको एक बीमारी हो जाती है ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इस तरह के केस में क्या होता है कि आपका जो एयर सैक्स होता है, टिनी एयर सैक्स होता है लंग्स का, जिसको एल्वेली बोलते हैं, वो बिल्कुल चिपकने लगता है। एल्वेली का काम होता है एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके आपके बॉडी तक पहुँचाना। इस तरह के केस में ही वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।